आज हम इस वीडियो में परचेज के सेटिंग्स देखेंगे। सबसे पहले आप प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करिए, सेटिंग एंड डिफॉल्ट परचेज। यहाँ पर जो परचेज पेमेंट डेज आपका जो साइकिल है वो कितने डेज का रखना है, डेज लिखिए। एक्स्ट्रा चार्जेस और लेबल शिपिंग चार्जेस का ऑप्शन है। लॉक परचेज बिल, आपका जो परचेज बिल है लॉक करना है या फिर टाइम ड्यूरेशन पर रखना है तो रख सकते हो। मर्ज परचेज ऑर्डर, अगर आपका परचेज ऑर्डर मर्ज करना चाहते हो तो यस नो का ऑप्शन है। अगर आप वेयर हाउस मैनेजमेंट करते हो, मल्टीपल लोकेशन है आपके स्टोर्स के, तो यहाँ पर परचेज ऑर्डर प्रीफिक्स भी ऑप्शन है। यहाँ पर डिफॉल्ट पेमेंट मोड, अगर आप बाय डिफॉल्ट पेमेंट परचेज का पेमेंट मोड सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर क्रेडिट या आपका पेमेंट मोड रख सकते हो और अपडेट बटन पर क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न का सेटिंग। यहाँ पर अगर आप परचेज रिटर्न बिल लॉक करना चाहते हो और उसका टाइम ड्यूरेशन पर भी लॉक करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शंस है और अपडेट कर लीजिए। नेक्स्ट है क्यूआर स्टिकर्स एंड प्रिंट। क्यूआर स्टिकर्स पर जो आप लेबल आउट करते हो प्रोडक्ट्स पर, उसके सेटिंग्स है। यहाँ पर आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर का नाम है वो आप स्टिकर्स पर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर यस कर लीजिए। आपकी फार्मेसी का नाम लिख दीजिए। यहाँ पर जो प्रिंट प्रोडक्ट सेल रेट इंस्टेड ऑफ MRP और QR कोड, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। जो आपका MRP है उसकी जगह आप सेल रेट यहाँ पर प्रिंट आउट करना चाहते हो लेबल पर तो यहाँ पर यस कर लीजिए और अपडेट बटन पर क्लिक कर लीजिए। थैंक यू।